असलकुम मैं खान नाजमीन शरीफ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग टेट 2017 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 122 क्वेश्चंस मैंने मेरी वीडियोस में कवर किए हैं आप जाकर मेरे चैनल पर वो वीडियोस देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो इस सेट का 123 क्वेश्चन है या और इस वीडियो का आज का हमारा ये फ़र्स्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो अभी ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज अगर देखे हैं तो इस सेट का ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है मतलब ऐसे और दो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कर रखे हैं मतलब एक सेट के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर तीन से चार या पाँच भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर आप अच्छे से केयरफुली रीड करते हो और इसका जो इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो भी फिगर आप बनाते हो उसको जो भी आपको ब्लैंक पेपर वगैरह दिया जाता है अगर आप उसको अच्छी जगह पर बना कर रख लेते हो तो चार से पाँच मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको चार से पाँच क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि 2017 में टेट हुआ था उसमें ऐसा दिया गया था इनशा अल्लाह अगर आने वाले टेट में भी उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया तो इसी तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके बेस पर हमको क्या करना है एक फिगर ड्रॉ करके रख देना है ताकि आगे भी जो भी क्वेश्चन पूरे सेट में जितने भी सवाल इस इन्फॉर्मेशन पर पूछे जाते हैं वो सब के सब हम क्या कर सके सॉल्व कर सके तो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन अब क्या है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के ए बी सी डी ई एफ जी एन एच आर एट फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर हालांकि इसका जो फ़िगर ये मैं पहले ड्रॉ कर चुकी हूँ लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा से क्या कर रही हूँ फ़िगर को ड्रॉ कर रही हूँ अब यहाँ पर क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन में कि कितने फ्रेंड्स हैं एट फ्रेंड्स हैं तो पहले हम क्या कर लेंगे इस सर्कल के एट पार्ट करेंगे मैंने सर्कल क्यों ड्रॉ किया क्योंकि यहां पर बता रहा है ना सर्कल है वो, वो कहां पर बैठे हुए हैं सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं अब यहां पर एफ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी वाइल बी इज ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई ए इज़ सीटिंग अपोजिट टू नीदर सी नॉर एच एंड ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ एच अब यहाँ पर जो ए है जो थर्ड वाला पॉइंट ए का ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है तो इसके लिए पहले हमको ए की पोजिशन फिक्स करनी होगी ताकि उसकी जो बाकी की जो भी अल्फ़ाबेट है हम उनकी प्लेस फिक्स कर सके तो पहले ए क्या है ए इज़ सीटिंग अपोज़िट टू नीदर सी नॉर एच यानी ए ना तो सी के अपोजिट में है ना तो एच के अपोजिट में है यानी जहाँ पर भी हम ए लेंगे उसके अपोजिट में हमको ना सी लेना है ना एच लेना है एंड ए इज़ नॉट द नेबर ऑफ़ एच और ए के पड़ोस में ना लेफ़्ट में ना राइट right में हमको एच लेना है तो ये जो तीनों अल्फ़ाबेट हैं जो ए की कंडीशन के हिसाब से हमें दिए गए हैं हमको उसी तरह से उनको फ़िक्स करना है तो इसीलिए हम क्या करेंगे पहले हम ए को फिक्स करेंगे सपोज अगर मैंने यहाँ पर ए को फ़िक्स किया तो अब उसके अपोजिट में यहाँ पर ना सी आ सकता ना एच आ सकता और ना ही इन दोनों पॉइंट पर एच आ सकता क्योंकि सवाल में ऐसा दिया गया उसके बाद अब सेकेंड वाला फर्स्ट वाला देख लेंगे सॉरी सेकेंड वाला एफ़ इज ऑन द इमीजिएट राइट ऑफ डी यानी अगर हम यहाँ पर डी लेते हैं तो उसके इमिजिएट राइट में क्या है एफ है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एफ वाइल बी इज ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई यानी अगर यहाँ पर मैं ई e लेती हूँ तो ई e के इमीजिएट लेफ्ट में क्या है बी है यहाँ पर मेरा आ जाएगा बी आ जाएगा इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ई ओके अब ये थर्ड वाला तो हमने ड्रॉ कर लिए एंड एच आर सीटिंग एडजेसेंट टू सी यानी ये जो ई e है इसके एडजेसेंट में क्या आना चाहिए सी यहाँ पर सी आएगा और सी के एडजेसेंट में और क्या आना चाहिए एच और लास्ट में क्या बच गया जी जिसके लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो ये हमारा फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा अब इस फिगर के बेस पे हमको नीचे जो ऑप्शंस गिवन है तो वो ऑप्शन के हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट या रॉन्ग जो भी पूछा गया है हमको इस फिगर के हिसाब से हमारा ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो देख लेते हम क्या है वो ऑप्शन क्या है मंदजदल मालूमात को ध्यान से पढ़े नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए अब यहाँ पर ये जो सवाल की वन है हाँ मैं फ़िगर एक बार और ड्रॉ कर लेती हूँ इधर ये फिगर मैं वापस से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हम लोग ऑप्शंस को अच्छे से देख सकें क्या था यहाँ पर यहाँ पर मैंने ए ली थी यहाँ पर डी था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन क्या है डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई यानी जो डी है वो क्या है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई यानी ई के लेफ्ट में ई e का लेफ्ट किधर होगा ये ई e का लेफ्ट होगा ये ई e का राइट right होगा तो ई e, e के लेफ्ट में डी कितने नंबर पर थर्ड नंबर पर तो वन टू और ये थ्री तो जो फर्स्ट हो गया वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सेकेंड देखेंगे डी इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई ई e के अगर राइट से हम जाते हैं तो डी कितने नंबर पर आता है पाँच नंबर पर तो ये वन ये टू थ्री फोर एंड डी हो जाता है फाइव यानी सेकेंड वाला भी कैसा हो जाएगा करेक्ट एंड ए एंड एफ़ आर एडजटेंड टू ईच अदर अब यहाँ पर ए हैं तो एफ़ कहाँ पर है यहाँ पर नहीं दोनों के बीच में क्या आ गया है डी आ गया तो दोनों एडजस्ट है कि नहीं तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग यानी ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू दोनों भी क्या हो रहे हैं इस फिगर इस के हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वन एंड टू ही करेक्ट आ रहे हैं तो हम देख लेंगे वन एंड टू कहां पर है ओनली वन एंड टू सी ऑप्शन में है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वन एंड टू ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर है इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाई टू कंक्लूजन नंबर्स वन एंड टू अज्यूम द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ़ दे सीम्स टू बी ऑफ वराइंस कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन मार्क योर आंसर एज उर्दू में देख लेते हैं कि दिए दिए गए बयान को दुरुस्त तस्लीम करें दो और एक हिदायत इन में से हर एक सवाल में दो बयान के बाद दो नतीजे नंबर एक और दो दिए गए हैं अगरचे वो आमतौर पर मालूम हक़ के बरस नजर आते हो फिर इसके मुताबिक अपना जवाब निशान ज़दा करें तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हमको जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनको रेफ़र करना है क्योंकि उर्दू के क्वेश्चन मुझे कुछ सही से मैनेज नहीं लगे वो कुछ तो भी अल्फाजों का हेर फेर हो चुका है वहाँ पर उसके ट्रांसलेशन में इसके लिए हम इंग्लिश क्वेश्चन को ही रेफ़र करेंगे कि यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट गिवन हैं वो स्टेटमेंट क्या हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इवन इफ दे सीम टू बी वाइन्स विद कॉमनली नॉन फैक्ट्स अब वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत में भी या कॉमनली भी एक दूसरे के Uh, मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन होगा ये सिर्फ एक सवाल के तौर पर हमको लेना है इसको हमको फैक्ट मानकर नहीं चलना है कि इसमें जो बताया गया है वो फैक्ट है ये सिर्फ एक क्वेश्चन के तौर पर हमको लेना है क्योंकि इनमें वराइंस हो सकता है मतलब इनमें कुछ चेंज हो सकता है बदलाव हो सकता है हकीकत में यहाँ पर सिर्फ हमको इसको क्वेश्चन के तौर पर ही लेना है अटैम्प करना है तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर्स सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्टेड यानी जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या हैं सब स्मोकिंग करते हैं और जो कुछ स्मोकर्स ऐसे हैं उनमें से जो वाइन एडिक्ट भी हैं यानी जो वाइन भी पीते हैं अब इसका कंक्लूजन क्या ये हो सकता है कि सारे स्मोकर्स प्लेयर्स है या कुछ वाइन एडिक्ट जो है वो स्मोकर्स भी हैं तो अब इसका इसका जो तरीका है वो कैसा है आपको क्या करना होगा इसके लिए भी एक फ़िगर ड्रॉ करना होगा कैसे यहाँ देख लेंगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर यानी मैं ये बना लेती हूँ दो सर्कल यहाँ पर ये मैंने दो सर्कल बना ली अब क्या बोला है कि ऑल प्लेयर्स ऑल प्लेयर्स बोला है तो इसके लिए ऑल प्लेयर्स कहाँ पर आएगा अंदर आएगा क्या है सारे प्लेयर्स क्या है स्मोकर से यानी ये जितने भी प्लेयर्स ये क्या है पूरे के पूरे स्मोकर है. तो ये जो बड़े वाला सर्कल ये स्मोकर्स का है और ये जो छोटे वाला सर्कल ये प्लेयर्स का है फिर उसके बाद क्या बोला है सम स्मोकर्स आर वाइन एडिक्टेड यानी ये जो स्मोकर्स ही तो इनमें से कुछ स्मोकर्स कहते हैं वाइन एडिक्टेड यानी कुछ पूरे नहीं बोला कुछ इसलिए हम इसका कुछ पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर तो क्या है ये वाइन एडिक्टेड ओके यहाँ पर डब्ल्यू लिख देती हूँ मैं वाइन एडिक्ट के लिए अब इसके ऊपर हमको क्या करना है सॉरी फॉर इंटरप्शन तो क्या देख रहे थे हम लोग कि ऑल प्लेयर्स आर स्मोकर यानी ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये क्या है स्मोकर्स हैं सम स्मोकरस आर वाइन एडिक्टेड यानी कुछ स्मोकरस यानी इसका कुछ पार्ट हम ले लेते हैं वो क्या है वाइन एडिक्टेड है अब ये ऐसा आपको फिगर ड्रॉ करना है जो भी ऑल पूछा जाएगा वो आपको अंदर छोटा सर्कल लेना है और ऑल जिसे भी कहा जाएगा क्या कहा जाएगा ऑल प्लेयर्स को स्मोकर कहा गया तो स्मोकर हमको क्या करना पड़ेगा इस तरह से बड़ा सर्कल लेना होगा फिर सम स्मोकरस आर वाइन एडिक्टेड यानी ये जो स्मोकर है इसका कुछ हिस्सा वाइन एडिक्टेड है मतलब पूरा सर्कल नहीं लेंगे फिर हम इसका कुछ पार्ट लेंगे वाइन एडिक्टेड में अब इसके हिसाब से हमको कंक्लूजन निकालना है कि ऑल स्मोकर्स आर प्लेयर्स क्या सारे स्मोकर्स प्लेयर है जी नहीं क्योंकि ये जो साइड का जो प्लेस बच गया है ये वाला ये वाला तो प्लेयर्स में नहीं जा रहा है तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा सम वाइन एडिक्ट आर स्मोकर सम वाइन एडिक्ट स्मोकर है जी हाँ तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोअर्स यानी सिर्फ जो नतीजा दूसरा है वो क्या करता है पैरवी करता है ये इसका करेक्ट आंसर होगा देन उसके बाद वन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर यानी दी गई फिगर में कितने स्क्वायर हैं यह दिलेले आकृति मदे किति चौकन आहे अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने स्क्वायर है हम काउंट करेंगे ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव ये सिक्स ये सेवन ये एट एट के बाद ये वाला पूरा हो गया नाइन और ये वाला पूरा हो गया टेन यानी कितने स्क्वायर आ रहे हैं यहां पर टेन स्क्वायर तो इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी टेन ओके okay? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स है अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन बिलो आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब यानी यहाँ पर हमको जो अंडरलाइन वर्ड है ये एक फ्रेज दिया हुआ है तो इसका मीनिंग जो चार ऑप्शन है उनमें से क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंटेंस के हिसाब से क्या हो सकता है उसका मीनिंग वो हमको ढूंढना है माई बॉस आस्ट मी टू अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ माई टीम इन अचीविंग द एनूअल सेल्स टारगेट यानि मेरे बॉस ने मुझसे पूछा क्या किस बारे में द फेलियर ऑफ माई टीम इन अचीविंग द एनुल सेल्स टारगेट यानी जो उनको सालाना सेल्स टारगेट जो दिया गया था उसको अचीव करने में क्यों नाकाम हो गए ये बॉस ने सवाल किया या बॉस ने पूछा तो आस्ट मी टू अकाउंट फॉर यानी सवाल ज़ाहिर सी बात है जब सवाल पूछा गया तो किस लिए उसके आंसर्स के लिए ना के सामने से आंसर्स आने की उम्मीद है माय बॉस आस्ट मी टू आंसर यहां पर क्या आना चाहिए टू आंसर फोर यानी इसका क्या हो जाएगा टू आंसर फोर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस अब यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन गिवन है तो इनमें से इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये यानी इस सेंटेंस के लिए कौन सा एक वर्ड सूट होता है फिट होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट यानी द स्टडी ऑफ़ ह्यूमन सोसाइटीज़ यानी जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है या उनके जो कल्चर्स है तो उनका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी कैलीग्राफी किसे कहा जाता है कैलीग्राफी जो है ये आर्ट ऑफ राइटिंग है क्या है ये आर्ट ऑफ राइटिंग को कहा जाता है और कोरियोग्राफी ये तो सबको पता है ये डांसिंग से रिलेटेड है ओके okay. और फिजियोथेरेपी क्या है ये फिजिकल ये मतलब एक डॉक्टर की डिग्री होती है फिजियोथेरेपी कोई फ़िजिकल पेन वगैरह या जो इंजरी वगैरह जो भी होता है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं गाइड करते हैं फिजियो जो फिजिशियन होते हैं वो तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी क्या कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट है द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर यानी कम्युनिकेशन के लिए बेसिक एलिमेंट क्या है मवासिल के बुनियादी अनासर डैश है क्या हो सकते हैं द सोर्स एंड द रिसीवर यानी माखिज और वसूल कुंदा या द मैसेंजर एंड द रिसीवर यानी जो मैसेज देने वाला है वो और जो रिसीव करने वाला है वो या द सोर्स एंड द चैनल यानी जो सिर्फ सोर्स जिसके जरिए मैसेज दिया जा रहा जैसे है जैसे मोबाइल फ़ोन है लेटर है या फेस टू फ़ेस है जो भी है या किसी चैनल के जरिए अगर मैसेज दिया जा रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट है या ऑल ऑफ दी अबाव तो यहाँ पर हमको क्या सवाल किया गया है कि बेसिक एलिमेंट क्या है तो बेसिक एलिमेंट क्या होंगे इसके द सोर्स एंड द रिसीवर यानी जो मैसेज देने का जो भी सोर्स है अगर हमारे पास मैसेज रेडी है मैसेज देने वाला भी है मैसेज भी रेडी है लेकिन मैसेज पहुंचाने का कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है तो वो मैसेज क्या काम का होगा और उसके बाद अगर ज़रिया मिल भी गया तो सामने रिसीव करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना तभी तो मैसेज का जो है वो मकसद पूरा होगा तो रिसीवर भी क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है यानी मैसेंजर एंड रिसीवर मैसेंजर अगर होगा लेकिन सोर्स ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसका तो सोर्स एंड रिसीवर यहां पर क्या हो जाएंगे कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट हो जाएंगे तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर द सोर्स एंड द रिसीवर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन है नयन या शब्दाची संधि सोडवा संधि सोड़वा, सोड़वा यानी ये जो नयन है इसको क्या करना है हमको इसको तोड़ कर लिखना है तो कैसा आएगा वो न प्लस न या ने प्लस अन या नौ प्लस यन या न प्लस एन तो इसका जो आंसर होगा वो ने अन होगा क्या होगा ने अन यानी ये दो शब्दों को जोड़ने के बाद क्या बना है नयन बना है ओके तो इसकी संधि ये आपको मराठी के अंदर जो संधि है ये एक बार रीड करनी होगी सभी जो है अल्फाबेट सॉरी शब्दों की डैश कीटकांचा शरीरावर अस्तित्व त्यान्ना श्वास घेरण मदद करते यानी डैश प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट हेल्प देम टू ब्रिथ यानी कीड़ों के जिसम पर मौजूद डैश इनको सांस लेने में मदद करते हैं यानी कीड़े किसके जरिए सांस लेते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पर ये यह पूछा गया है तो गिल्स के जरिए गलफड़े ये तो मछलियों में होते हैं सांस की नली या फिर स्पाइरकल्स यानी सांस लेने का जो छेद होता है वो या फिर लंग्स तो कीड़ों के अंदर क्या होते हैं छेद होते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं सांस लेते हैं ना उनमें गिल्स होता है ना सांस की नली होती है ना लंग्स होते हैं बल्कि छेद के जरिए क्या करते हैं वो सांस लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है अब यहाँ पर फाइंड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव यानी दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो दिलेला पर्याय पर्याय मधुन वेगड़े ते बाहिर काना यानी ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन जो है वो तीनों से जिन यानी तीनों में जो भी रूल फॉलो हो रहा है चौथे में वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो कौन सा है हमको वो देखना है तब यहाँ पर ये पैटर्न आपको खुद समझना होगा क्योंकि इस टाइप जरूरी नहीं है कि इस यही क्वेश्चन रिपीट होगा तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये जहनी आजमाइश के क्वेश्चन क्वेश्चन है इंटेलिजेंस के जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या फॉलो किया उन्होंने अब हम क्या करते हैं ए बी सी डी लिख लेते हैं पहले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड अब यहाँ पे देखते हैं हम एन के बाद क्या है फोर्टीन अब एन के बाद हम देखते हैं एन के बाद फोर्टीन गिवन बने क्योंकि ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन यानी एन कितने नंबर पे आता है फोर्टीन इसलिए एन के बाद क्या है यहाँ पे फोर्टीन अब हम चेक कर लेते हैं कि आर सिक्सटीन नंबर पे आता है क्या ये हो गया फिफ्टीन ये सिक्सटीन सॉरी एटीन ये हो जाएगा सेवेंटीन एंड एटीन यानी आर भी एटीन नंबर पे आता है तो ये दोनों क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं उसके बाद हम देखेंगे कि वाई ट्वेंटी फाइव नंबर पे आता है क्या तो एटीन के बाद यह हो गया नाइन्टीन ये हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी वन देन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड वाई आ जाता है ट्वेंटी फाइव और जेड है ट्वेंटी सिक्स यानी ये भी मैच कर रहा है इस पैटर्न को अब क्यू सेवेंटी नंबर पे तो तो यहाँ <coughs> तो यहाँ पर ये ये वाली बात तो ये पैटर्न तो नहीं हो सकता क्योंकि q भी सेवेंटीन नंबर पर ही आता है तो ये वाला तो पैटर्न उन्होंने फॉलो नहीं किया कुछ और लॉजिक इस्तेमाल किया है चलो देख लेते हैं वो भी कि क्या लॉजिक हो सकता है अब यहाँ पर एक और बात हो सकती है कि हम जो अल्फ़ा बेट हैं हम उनमें रिलेशन देख सकते हैं क्या है यहाँ पर एम ओ एल और एन देन यहाँ पर क्या है क्यों एस पी और आर यहाँ पर क्या है एक्स जेड डब्ल्यू एंड वाई उसके बाद लास्ट में क्या है आर पी एस एंड क्यू अब देख लेते हैं इनमें क्या है अब यहाँ पे देखेंगे हम एल एम okay. ओके देन यहाँ पर देखेंगे तो ये एल एम यानी जो दो एडजस्टन अल्फाबेट हैं उनको क्या किया उन्होंने इन उनकी जोड़ी बनाई है एल एम और ये आ जाएगा एन ओ वैसे अगर हम देखेंगे तो पी क्यू आर एस वैसे ही W X Y Z लेकिन यहाँ पर जो है S R आया है जबकि R S होना चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था R S और P Q यहाँ पर कैसा होना चाहिए था यहाँ पर होना चाहिए था यहाँ पर R यहाँ पर S और यहाँ पर Q और यहाँ पर P तो तब जाके वह बनती R S P Q की जोड़ी तो ये वाला पैटर्न ये जो लास्ट वाला है वो फॉलो नहीं कर रहा है ओके okay, समझ में आया आपके कि क्या पैटर्न फॉलो किया उन्होंने मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है एल एम देन फिर एन ओ की जोड़ी बनाइए दैन पी क्यू फिर आर एस दैन डब्ल्यू एक्स वाई जेड लेकिन यहाँ पर एस आर है जबकि आर एस होना था मतलब यहाँ पर आर चाहिए था यहाँ पर एस चाहिए था और फिर यहाँ पर क्या चाहिए था पी और यहाँ पर क्यू चाहिए था ऐसी जोड़ी होनी चाहिए थी वो आर एस और पी क्यू की जोड़ी तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं कर रहा है लास्ट वाला तो यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमको ऑड वन निकालना है देन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी टू है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज इन यानी जो पीसा का टावर है लीनिंग टावर वो कहाँ पर है ब्रिटेन में है फ्रांस में है इटली में है यानी इटली में या फिर स्विट्जरलैंड में है तो वो कहाँ पर है इटली में है क्या आएंगे इसका करेक्ट आंसर इटली देन अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन है मैं इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह ताला जरूर बनाऊंगी कि क्यूब के क्वेश्चंस को जितनी भी कंडीशंस होती हैं वो हर कंडीशन में क्यूब के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विच लेटर और नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क आया है इस फिगर में तो वहाँ पर कौन सा लेटर या नंबर आ सकता है तो अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमको क्या करना है पहले ऐसे दो क्यूब देखने हैं जिनमें अल्फाबेट मैच कर रहे हैं अब ये दो क्यूब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एम और एम क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे क्लाकवाइज डायरेक्शन में जोड़ी बनाएंगे यानी यहाँ पर जोड़ी बनेंगी एम यहाँ पर बनेगा ओ अगर हम इसको क्लॉक वाइज में लेकर जा रहे हैं तो ये वाले फ़िगर को अगर क्लॉक वाइज में लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा एम के नीचे एम और यहाँ पर आ जाएगा क्यू यानी अगर हम देखेंगे तो ये जो ओ और क्यू है ये क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट में होंगे क्या होंगे ओ और क्यू एक दूसरे के अपोजिट में यानी यहाँ पर अगर क्यों यहाँ पर अगर ओ है सॉरी एडजेसेंट होंगे क्योंकि एम के फ़ौरन बाद यहाँ पर ओ आ रहा है और एम के फ़ौरन बाद यहाँ पर क्या आ रहा है क्यों आ रहा है तो यहाँ पर ये यह क्या हो जाएगा इधर से ओ के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर क्यों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जो फिगर है उसके अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यों आ जाएगा इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाऊँगी जिसमें हर तरह के क्यूब्स गिवन होंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। अब बी इज ब्रदर ऑफ डी डी इज सिस्टर ऑफ ई यानी बी और डी क्या है ये भाई है ब्रदर है देन डी इज सिस्टर ऑफ ई और डी और ई e क्या है सिस्टर है बहन है ओके एंड ई इज़ ब्रदर ऑफ एफ और ई e क्या है एफ का क्या है ब्रदर है हाउ इज़ एफ़ रिलेटेड टू बी तो जो एफ़ है उसका और बी का क्या रिलेशन होगा ओके okay. तो अब बी क्या है हम देखेंगे बी क्या है डी का भाई है डी क्या है सिस्टर है यानी ये क्या है गर्ल है डी क्या है सिस्टर है और ई e क्या है ब्रदर है यानी ये भी क्या हो जाएगा बॉय ही हो जाएगा क्योंकि ये ब्रदर है और ई e क्या है इसका ब्रदर है मतलब वो बॉय है एक फिगर फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं B, D, E एंड F. अब यहाँ पर ये क्या है ब्रदर है। D क्या है? D सिस्टर है। E क्या है? उसका ब्रदर है तो F और B के बीच में क्या रिलेशन है हमको ये निकालना है तो जाहिर सी बात है ये सब एक दूसरे के भाई बहन हैं लेकिन यहाँ पर F क्या है ये बताया नहीं गया है मतलब ये बी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है मतलब ये ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है ओके क्योंकि बी डी का भाई है डी क्या है ई e की सिस्टर है यानी ई e और बी भी भाई भाई हो गए और ई e क्या है ये एफ़ का भाई है यानी एफ़ भी क्या हो गया इन e का भाई या बहन हो गई मतलब ये सब आपस में कैसे एक दूसरे के बहन भाई हैं लेकिन यहाँ पर जो एफ़ है वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो भाई है या बहन है तो वो भाई भी हो सकता है बी का और बहन भी हो सकती है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई या बहन तो क्या जाए, आ जाएंगे इसका आंसर ब्रदर और सिस्टर यानी भाई या बहन अब यहाँ पर क्या करना है डायरेक्शन द सीरीज हमको कंप्लीट करना है तो क्या है ये ए आई e, एन यू बॉबेल्स यहाँ पर क्या आना चाहिए ऑब्जेक्ट गिवन इन द क्वेश्चन फिगर यानी हमको क्या करनी है वाटर इमेज है जो ऑप्शन गिवन है इसका इसका बन जाएगा वॉटर इमेज यानी अगर हम पानी में अगर देखेंगे तो इसका नाइन बन जाएगा कुछ इस तरह से सॉरी इसका कुछ उल्टा इस तरह से उल्टा बन जाएगा फिर जो जेड होगा उसका हमको देखना पड़ेगा कि जेड का कैसे आएगा जो भी उल्टा फिगर उसका बनेगा ऐसे हमको वाटर इमेज पहचाननी है तो इसकी वाटर इमेज क्या आएंगी यहाँ पर हमको गिवन है जो ऑप्शन नंबर डी इसकी वाटर इमेज आएगी कि ये नाइन का उल्टा इस तरह से होगा जेड का इस तरह से होगा देन बी का देन फाइव देन एफ तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी तमाम अल्फा के उसको रिवर्स या उल्टा कैसे लिखेंगे वाटर इमेज में या आईने में किस तरह से दिखाई देगा वो क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन है अ बेसिक आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ यानी डैश एक जमहूरी माशरे का बुनियादी नमूना है क्या है अभी जमहूरी माशरे का बुनियादी नमूना क्या है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पावरफुल लीडरशिप है बिलीव इन द ओपिनियन ऑफ द लीडर्स यानी सिर्फ लीडर्स को ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लीडर्स को इम्पॉर्टेंस दी गई जबकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है अवाम, अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए बनाई जाने वाली यानी फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड टू द पीपल रिस्पेक्ट फॉर द इंटाइटल इंडिविजुअल यानी रोशन ख्याल फ़र्द के लिए एहतराम माइट मेक राइट ताकत सब कुछ ठीक करता है तो इसका क्या आना चाहिए थर्ड आना चाहिए अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में पूछाए तो क्योंकि इस पर क्या किया जाता है सबके के को इम्पॉर्टेंस दी जाती है सबको इम्पोर्टेंट दी जाती है तमाम लोगों को तमाम अवाम को इसमें इम्पोर्टेंट दी जाती है देन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी एट है कि फ़ाइंड आउट मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन यानी यहाँ पर क्या करना है हमको मिसिंग नंबर ढूंढना है अब हमको क्या करना होगा इस सीरीज़ की पैटर्न को हमको पहचानना होगा अब अगर हम देखेंगे कि, कि इसके यहाँ पर क्या लिखा है थ्री देन क्या है फोर देन क्या है एट यानी ये जो दिख रहा है इसमें क्या बाहर क्या साइड में क्या लिखा है थ्री फोर एट अगर हम सब इनका इंटू कर देते हैं तीन चौंक बारह बारह आठ छियानों यानी ये क्या आ रहा है छियानों अगर हम छियानों को दो से डिवाइड करते हैं तो दो एक दो दो चौंक आठ बच्चे एक दो आठी सोलह यानी फोर्टी एट जो बीच का फोर्टी एट है वो कैसे आ रहा है बाहर के जो तीनों हैं उनका मल्टीप्लाई किया गया और उसको दो से डिवाइड किया गया अब अगर यहीं पे यही रूल अगर हम ये वाले में फॉलो करते हैं सेकेंड वाले में तो क्या आएगा फाइव इंटू टू इंटू सेवन डिवाइडेड बाई टू यानी पाँच दो दस दस आते सत्तर तो ये आ जाएंगे सेवेंटी डिवाइडेड बाई टू तो ये कितना हो जाता है थर्टी फाइव तो इसका क्या आंसर आना चाहिए थर्टी फाइव तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसका बी का थर्टी फाइव आ रहा है अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है अभी इसी वीडियो में हमने पीछे भी इसका फिगर ड्रॉ किया फिगर हम कैसे ड्रा करेंगे तो दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्या करती हूँ इसका फिगर ही ड्रॉ कर लेती हूँ और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि नीचे जो ऑप्शन गिवन है उनमें से इस सवाल क्या है कि मंदरजे जैल में से सॉरी क्या सवाल है कि मंदरजह जैल में से करीबी मेम्बरान के दो जोड़े कौन से हैं यानी कौन से दो ऐसी यहाँ पर जो दो जोड़िया गिवन है वो फ़िगर के हिसाब से करीब करीब में है तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली फ़िगर ही ड्रॉ कर लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मैं रीड नहीं करती हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत बहुत बार इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके फ़िगर ड्रॉ किया है तब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ इसका फ़िगर बनाती हूँ चारों भी ऑप्शन हमको नज़र आने चाहिए इस तरह से इसका फिगर मैंने पहले भी ड्रॉ करके आपको बताई हूँ चाहे तो आप पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा हमारा ए देन यहाँ आएगा डी यहाँ पर आएगा एफ़ यहाँ आएगा बी यहाँ पर आएगा हमारा ई e, यहाँ होगा सी यहाँ होगा एच और ये लास्ट में होगा जी तो अब कौन कौन से बाजू बाजू में है क्या ए और एफ़ बाजू में है ए और एफ़ जी नहीं ए इधर है एफ़ इधर है तो ये तो कैंसल हो जाता है दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं क्या एफ और एच बाजू में है एफ इधर है एफ यहाँ पर है एच यहाँ पर है तो ये भी कैंसल हो जाता है थर्ड वाला ए और जी ए और जी बाजू में है ओके सी और ई e है क्या करीबी ये सी और ई e करीबी जी हाँ ये वाला करेक्ट होता है लास्ट वाला भी देख लेते हैं बी और जी जी नहीं बी इधर है जी इधर है तो ये भी क्या हो जाता है कैंसिल तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा ए जी एन सी ई कैसे हैं करीबी मेमरानी यानी एडजेसेंट है एक दूसरे के अब यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी ये मैथेमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है घड़ी से रिलेटेड तो मैंने आपको बताई कि मैं जितने भी मैथमेटिकल रीजनिंग के लेंदी क्वेश्चन है लेंदी सोलूशन है जिनके उनको मैं क्या करूँगी लास्ट वीडियो में इनशाला ताला कवर करूँगी तो इसको हम बाद में देखते हैं देन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी वन है डैश इज समथिंग दैट हैज मास एंड एक्यूपाइज स्पेस यानी डैश का वजन होता है और जगह घेरता है डैश एक ऐसी बाब है जला वस्तुमान आए यानी जागा व्याप्त यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको वजन भी होता है और जो जगह भी घिरती है मैटर है सॉलिड है लिक्विड है या फिर गैस है तो वो क्या है मैटर है क्योंकि मैटर क्या है जगह भी घेरती है और उसको वेट भी होता है ये वाला भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कंजिव नेचुरल नंबर इज फोर थ्री फोर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द थ्री यानी तीन मुसलसल कुदरती आदात के मुरबे का मजमु चार सौ चौतीस से तीनों में से सबसे छोटा अदद तलाश करें तो इसको भी इंशाल्लाह इन हम आने वाली मैथमेटिकल रीजनिंग की जो वीडियो होंगी उसमें ही देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी अगर ऐसे क्वेश्चन को हम लेकर बैठ गए तो द यूनिट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज यानी नॉइज़ पोल्यूशन को हम किस में काउंट करते तो उसको डेसीबल में फ़र्स्ट क्या होगा इसका डेसीबल तो क्या आंसर आना चाहिए इसका डेसीबल आना चाहिए देन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर है अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड द गेम वॉज abandoned एट हाफ टाइम बिकॉज ऑफ द पुअर weather कंडीशन यानी गेम को क्या कर दिया था हाफ टाइम में ही अबोंडन कर दिया था क्योंकि जो मौसम था वो बहुत ही ख़राब था वेदर कंडीशन ख़राब थी तो डिसकंटिन्यू किया होगा कंटिन्यू किया होगा इनिशिएट किया होगा या प्लेट किया होगा तो जाहिर सी बात है डिसकन्टिन्यू किया होगा ना ख़राब मौसम की वजह से जैसे क्रिकेट मैच वगैरह कभी कभी बीच में रोक दिए जाते हैं अगर बारिश वगैरह का मौसम हो जाता है तो तो एबोंडन का मतलब क्या होगा यहाँ पर डिसकन्टिन्यू क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव है इन द फॉलोइंग फिगर द ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर यानी हम लोग देख लेते हैं कि ट्रायंगल को क्या बताया गया है ये टीचर का है द सर्कल रिप्रेजेंट स्टूडेंट यानी स्टूडेंट का क्या यहां है यहाँ पर सर्कल है एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एक्टर और ये रेक्टेंगल किसके लिए है एक्टर के लिए है विच नंबर रिप्रेजेंट टीचर हो आर ऑल्सो स्टूडेंट एंड एक्टर यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो टीचर भी है स्टूडेंट भी है और एक्टर भी है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ़ाइव है ये कहाँ पर है देखिए ऐसा है देन ये कुछ इस तरह से फिगर है और उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐसा फिगर बना हुआ है तो फाइव यहाँ पर आ रहा है यानी ये जो फ़ाइव है ये कहाँ पर है ये ट्रायंगल के अंदर भी दिख रहा है यानी ये टीचर भी हैं ये हमको सर्कल के पार्ट में भी नज़र आ रहा है यानी स्टूडेंट भी हैं प्लस हमको ये रैक्ट के हिस्से में भी नज़र आ रहा है मतलब ये एक्टर भी हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका फ़ाइव आंसर आ जाएगा जो एक्टर टीचर और स्टूडेंट सभी हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स है वट पार्ट ऑफ द आई गेट्स इन फ्लेम एंड बिकम पिंक व्हेन डस्ट गेट्स इन टू इट यानी जब आँख में धूल दाखिल हो जाती है तो कौन से हिस्से में सूजिश आ जाती है सूजन आ जाती है और सुर्ख हो जाती है कंजक्टाइवा में कॉर्निया में कोरोइड में या फिर कैलोटिक में तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंजक टाइवा यानी जो हमारी आँख जो रेड दिखती है जो वाइट हिस्सा जो हो जाता है वो रेड रेड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं कंजक टाइवा कहते हैं या कंजक टिवा कहते हैं देन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड है अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन वॉट इज द मीनिंग फुल ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन अ स्लिप एट द स्विच इन द सेंटेंस गिवन बिलो द सिक्योरिटी गार्ड फेल अ स्लिप एट द स्विच एंड अ रॉबर ब्रोक इन यानी सिक्योरिटी गार्ड सो गया जिसकी वजह से क्या हो गया रॉबरी हो गई डकैती हो गई फेल टू डू वंस ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम डिस्चार्ज वंस ड्यूटी विथ अटमोसियरिटी वॉन्टेड टू स्लीप ऑन अ कम्फर्टेबल बेड या नन ऑफ द अबाव तो चोरी कब हुई जब जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाया तो फेल टू डू वंस ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट है राम सेट टू शाम यू आर द सन ऑफ डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय फादर देन हु इज़ शाम ऑफ राम यानी राम ने शाम से कहा तुम मेरे बाप की बीवी के बेटी के बेटे हो यानी मेरे बाप की बीवी यानी उसकी उसकी भी वालिदा उसकी बेटी यानी वो क्या हो जाएंगी राम की बहन यानी राम की बहन का बेटा है श्याम कौन है राम की बहन का बेटा है बहन का बेटा है वो ओके क्या कहा उसने तुम मेरे बाप की बीवी बाप की बीवी यानी कौन हो गई उसकी माँ माँ की बेटी यानी कौन राम की बहन और वो कौन है शाम उसकी बहन का बेटा है तो शाम राम का क्या लगता है तो शाम क्या लगेगा राम का भांजा लगेगा यानी नेफ्यू कौन होगा वो उसका नेफ्यू होगा भांजा होगा वन फोर्टी नाइन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव डेट लॉजिकली फॉलो फ्राम द टू गिवन स्टेटमेंट्स बट नॉट फ्राम वन स्टेटमेंट अलोन यानी दोनों स्टेटमेंट से वो लॉजिकली कनेक्टेड है बट नॉट फ्राम वन स्टेटमेंट अलोन यानी सिर्फ एक से नहीं है लेकिन अकेले एक बयान से नहीं है और कोक सा ड्राइवर अब इसके लिए भी क्या करना होगा हमको एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ऑल कुक्स क्या है ड्राइवर यानी कुक्स अंदर आ जाएगा ड्राइवर बाहर आ जाएगा मैंने कहा था जो ऑल कहा जाएगा उसको छोटे सर्कल में लेना है और ऑल को क्या कहा गया ऑल कुक्स को ड्राइवर्स तो वो बाहर आ जाएगा देन उसके बाद ऑल ड्राइवर्स आर डांसर जितने भी ड्राइवर्स थे वो डांसर भी है लेकिन यानी अब ड्राइवर्स मॉल में चला जाएंगे इसके बाहर एक और आ जाएगा वो आ जाएगा किसका आएगा डांसर का, का. किसका आएगा वो डांसर का इस तरह से बनेगा तब यहाँ पर हमको ऑप्शन देखना होगा कैसे फिगर बना था हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे था कुक यहाँ पे था ड्राइवर और ये लास्ट वाला क्या था डांसर तो यहाँ पे क्या है ऑल डांसर्स आर ड्राइवर क्या सारे डांसर्स जो है वो ड्राइवर हैं जी नहीं ये जो पार्ट बच जा रहा है ये ड्राइवर के पार्ट में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो ये रॉन्ग होगा ऑल कुक्स आर डांसर जितने भी कुक्स है वो डांसर है क्या जी हाँ क्योंकि ये जो बड़ा सर्कल है इसके अंदर ये छोटा कुक्स वाला भी सर्कल आ जा रहा है तो ये करेक्ट होगा कि सारे कुक्स क्या होंगे डांसर होंगे नो कुक्स इज डांसर जी नहीं नो no कुक कैसे हो सकता है जबकि ये डांसर वाले सर्कल के अंदर कुक का सर्कल आ रहा है ना मतलब ये पूरा हो रहा है तो ऑल कुक्स डांसर हो जाएंगे बोथ ए एंड बी यानी सभी डांसर ड्राइवर हैं सभी डांसर ड्राइवर नहीं है सभी ड्राइवर डांसर हो सकते हैं तो इसका तो क्या आ जाएगा इसका ऑल कुक्स आर डांसर यानी जितने भी कुक्स है वो सब क्या है डांसर भी है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन यानी डैश उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी में से है प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस यानी एजुकेशनल एक्सपीरियंस को प्लान करना या फिर इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग पॉलिसीज पॉलिसियों को लागू करना ये प्रमोटिंग ह्यूमन रिलेशंस विद पेरेंट्स यानी वालदेन के साथ इंसानी तल्ल को फ़रो देना या एक्सपेरिमेंटिंग विद टीचिंग टेक्निक्स यानी तदरीस की तकनीक के साथ तजुर्बा करना तो जो टीचर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस यानी जो भी तालीमी तजुर्बात होने वाले हैं या वो जो भी कुछ टीच करने वाला है जो कुछ पढ़ाने वाला है उसकी पहले क्या कर ले वो प्लानिंग कर ले मनसूबाबंदी कर ले तो ये एक अच्छे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अल्लाह हाफिज